अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड दिस इज़ योर मैथ्स बुक। ओपन योर बुक, पेज नंबर 19, यूनिट नंबर 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास? फैक्टर्स वो होते हैं जैसे कि 4 को लेते हैं, 2 के टेबल में 4 आता है, 4 जो 2 का है फैक्टर है। एंड मल्टीपल्स 2 के टेबल में जैसे 2, 6, 4, 8, 10 ये है मल्टीपल्स नंबर, ये 2 के मल्टीपल्स नंबर हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स हमारे पास होते हैं जिन्हें हम इसमें बताया हुआ है कि जिन्हें हम बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस में उस नंबर्स को बता सकते हैं, वो नंबर्स किस टेबल में आते हैं, किन किन टेबल किस किस टेबल में आ सकते हैं, बिना सॉल्व किए बता सकते हैं। तो रूल नंबर 1 है, एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2। नंबर 1, एनी नंबर विद 0, 2, 4, 6, 8 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2। ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आते हों वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 2, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। रूल नंबर 2 है, इफ़ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज़ डिवाइजिबल बाय 3, देन द ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर जिनके डिजिट को हम 8 करते हैं, उनके डिजिट को 8 करने के बाद जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर हम कहेंगे कि वो पूरा 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। रूल नंबर 3 है, एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। ऐसा नंबर जो जिनके लास्ट में जिनके यूनिट प्लेस पर 0 या 5 आता हो वो 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। रूल नंबर 4 है, एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 10। ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 0 आता है वो 10 से डिवाइड हो जाता है। फ्रेंड्स, आपके 4 रूल्स अच्छे से समझ आ गए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22, एक्सरसाइज 2A, फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज 2A की फिल इन द ब्लैंक्स देखें। ए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय ब्लैंक इफ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। अगर कोई नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आता है तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसके ब्लैंक में लिख देंगे 5। स्टेटमेंट बी देखें, 1, 5, 6 इज डिविजिबल बाय डिज ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक। इन डिजिट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 में 5 को प्लस करेंगे। हमने देखना है कि ये नंबर किन किन टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो 6 में हमने 5 को प्लस करा, 11 में 1 प्लस किया, 12 टू 12 हमारा 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट 3C है, इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक। अगर कोई नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 आता है वो कौन से टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो वो 2 के टेबल है और 5 का टेबल है एंड 10 का टेबल है। 2 के टेबल में हम यूनिट प्लेस पे 0 आता है, 5 के टेबल में आता है यूनिट प्लेस की और 10 के टेबल में आता है। स्टेटमेंट डी, इफ़ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय ब्लैंक। अगर कोई डिजिट जिसका डिविजिबल बाय 3, जिसके हम सम करते हैं जैसे 3, 1, 3, तो वो खुद अपने टेबल में वो 3 के टेबल में ही आएगा, तो इसका डिवाइड क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3, 1, 3 का डिवाइड 3 है। स्टेटमेंट ई है, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ब्लैंक।
जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो कौन से टेबल से डिवाइड होते हैं, टू के टेबल से डिवाइड हो सकते। क्वेश्चन नंबर टू है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। टू इस ए है, 2, 0, 5, 8, 9 इज डिविजिबल बाय 3, 3 के टेबल से 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। ये नंबर सबने देखना है, पहले हम सब इन सब डिजिट को क्या कर देंगे, 8 करने के बाद देखते हैं कि 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 9 में 8 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 17, 5 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 22, 22 में 2 प्लस कर देंगे तो 24 आ जाएगा, तो 24 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये क्या है, इट्स मीन ट्रू। बी है, 160 इज डिविजिबल बाय 2, 160 2 के टेबल में आता है, इसकी लास्ट में आ रहा है 0, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, इज ट्रू। सी देखते हैं, 2 to 5 इज डिविजिबल बाय 5 and 10, ये वैल्यू नंबर देखें 5, तो 5 से हमें पता चल रहा है कि 5 के टेबल में ये वैल्यू आती है, पर 10 के टेबल में नहीं आती, तो इसके इन्होंने कहा है कि 5 और 10 के टेबल से डिवाइड हो सकता है ये नंबर, क्या दोनों 10 से तो हो नहीं सकता, इसलिए इट्स ट्रू, इट्स फॉल्स, सॉरी। एंड डी, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 इज डिविजिबल बाय 5, कोई नंबर जो 10 से डिवाइड हो सकता है वो 10 से डिवाइड हो सकता है और 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इट्स ट्रू, क्योंकि 10 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 5 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। स्टेटमेंट ई है, ये नंबर इज डिविजिबल 5, 5, 6, 3 इज डिविजिबल बाय 5, इसकी लास्ट में आ रहा है 3, तो जिसकी लास्ट में 0 या 5 आएगा तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है, 3 है तो इट्स फॉल्स। नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए, 6, 2, 3, 4 इज डिविजिबल बाय 6, 2, 3, 4, ये नंबर्स इनमें देखना है हमें, ये कौन से टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, कौन कौन से टेबल पे, या है 4 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 4 में 3 को प्लस कर देंगे तो 7, 7 में 2 को प्लस करेंगे 9, 9 में 6 को प्लस करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 15, तो ये हमारा 2 और 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल में 4 आता है और 15 3 के टेबल में आता है, तो इसका ऑप्शन ये है। बी स्टेटमेंट है, बी है 4, 4, 6, 0, 0 इज डिविजिबल बाय, इसके लास्ट में आ रहे हैं 0, 0, जिसके लास्ट में 0, 0 आता है वो हमारे 2 के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, 5 के टेबल से भी हो सकता है और 10 के टेबल से भी हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद सी है, 5 to 5 इज डिविजिबल बाय, लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 के टेबल से होगा और इसको प्लस करके देखते हैं, 5 में 2 को प्लस करेंगे तो 7 आ गया, 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 आ गया, तो 12 हमारा 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो हमारा इसका ऑप्शन ये है, 2 and 5। डी है, अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 5, जिसके जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं उसका डिजिट देखना है हमें कि जो 5 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 और 0, 5 के टेबल में 5 और 0 से डिवाइड हो सकता है, तो ई देखें, 5 multiplied by 3, 5, 3 is 15 इज डिविजिबल बाय 15, जो किसके कौन से टेबल में आता है, 5 के टेबल में और 3 के, तो उसका पहला ऑप्शन 5 and 3। आई होप के स्टूडेंट्स आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और करेक्ट आंसर अच्छे से समझ आ गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।